हेलो एवरीवन, आई एम आयशा फ्रॉम नेशनल एकेडमी ऑफ फायर एंड सेफ्टी। तो आज मैं आपको बताऊंगी सेफ्टी इन ऑयल रिफाइनरी। जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज रहती हैं, गैस रिफाइनरीज रहती हैं, उनमें हम सेफ्टी कैसे मेंटेन रख सकते हैं उसके बारे में बात करूंगी। अब देखिए, ऑयल के नाम से आपको पता चल रहा होगा कितना फ्लेमेबल मटेरियल हो सकता है, ये है ना। तो अब हम इसमें कैसे सेफ्टी रखें, बहुत ही हजार्डियस मटेरियल है ये, हमें हर चीज़ बहुत ही सेफ्टी के साथ यहाँ मेंटेन करनी होगी। प्रिवेंशन हमें पूरे लेने होंगे, साथ ही जो भी उस वर्क को करने के लिए, कोई भी काम कर रहे हैं उस वर्क को करने के लिए जो भी SOP मेंटेन की गई है, उस SOP को फॉलो करते हुए हमें वो काम करना होगा, ठीक है। क्योंकि ऑयल रिफाइनरी जो रहती हैं वो बहुत ही हजार्डियस प्लेस है, ठीक है, वहाँ आग भी बहुत जल्दी लग सकती है। तो हमें पूरी सेफ्टी मेंटेन करके सारे काम करने होते हैं, तभी हम वहाँ पे क्या एक्सीडेंट होने से रोक सकते हैं, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन पे अगर हम ध्यान दें तो बहुत हद तक हम एक्सीडेंट्स रोक सकते हैं। जैसे कि कोई भी हम काम कर रहे हैं ऑयल रिफाइनरी में, तो सबसे पहले तो हमें कैसे वर्क करना है, प्रॉपर PPEs पहननी है, ठीक है। उसका जो भी वर्क कर रहे हैं उसके लिए जो भी SOP बनी हुई है उसको फॉलो करते हुए काम करना है, ठीक है। और जिस भी एरिया में हमें वर्क करने जाना है, मान लीजिए किसी भी कंटेनर में आपको वेल्डिंग करनी है, तो आपको उसके लिए वर्क परमिट इशू हो तभी आप वो काम करेंगे, ठीक है। तो वर्क परमिट्स रहते हैं, जब वो आपको अलाउ होते हैं तभी आप उस प्लेस पे काम करें। जो भी आप काम कर रहे हैं, कोई ट्रेंड पर्सन ही काम करे, ऐसा ना हो कि कोई भी वेल्डिंग करने चला गया, ठीक है। कोई भी कंटेनर में आपको अगर वेल्डिंग करनी है तो आपको वहाँ चेक करना होगा पहले ही कि कंटेनर खाली है या नहीं, उसकी सारी फ्यूम्स जो हैं वो उसमें ना हो, वो भी बिल्कुल कंटेनर एकदम खाली होना चाहिए। इस तरीके से आप चेक करके उसके बाद वहाँ काम कर सकते हैं। तो जितनी भी ऑयल रिफाइनरीज रहती हैं, सबसे पहले उनकी स्टार्टिंग ही PPE से होती है कि आप अगर वर्क करने जा रहे हैं तो आपको ये PPEs पहननी है, ठीक है। साथ ही अगर आप कोई व्हीकल है तो वो भी तभी अंदर आएगा जब उसके पास परमिट होगा। ऐसे कोई भी व्हीकल अंदर नहीं आ सकता है, क्योंकि वो एक ऑयल इंडस्ट्री है, ऑयल रिफाइनरी है। कोई भी एक भी स्पार्क जनरेट होता है मान लीजिए, तो आग लग सकती है। मैं स्टैटिक चार्ज की बात कर रही हूँ, स्टैटिक स्पार्क जो निकलता है उसमें से, अगर वो कहीं से भी जनरेट होता है अचानक से, तो आग लग सकती है। तो इसीलिए ये सारे नोटिफिकेशन, इस तरीके क्वेश्चन वहाँ लगे होते हैं कि कौन एंट्री कर सकता है, किस तरीके से, क्या क्वेश्चन क्या क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें रहती हैं, ठीक है, ठीक है। साथ ही उस प्लेस का JSA किया जाएगा, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं वो कितना वर्केबल है, कितना सेफ है, कितना सेफर आप उसे बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें बताई जाती हैं। पहले क्या करना होगा, हज़ार्ड आइडेंटिफाई करना होगा। अब ऑयल रिफाइनरी है, कोई भी काम आप कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि इस तरीके काम को अगर हम करते हैं तो इस तरीके के हज़ार्ड हो सकते हैं। तो उसके अब रिस्क क्या है, रिस्क मैनेज करना, रिस्क कंट्रोल करना, इस तरीके से आपको इसका वर्क करना होगा। पहले इसका JSA भी देखा जाएगा, जॉब सेफ्टी एनालिसिस क्या क्या है, फिर उसके बाद आप उस काम को कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑयल रिफाइनरी है तो वहाँ इस तरीके से वर्क किया जाएगा। साथ ही वहाँ पर हर जगह जो है, जहाँ भी ऑयल रिफाइनरी होती है वहाँ स्प्रिंकलर ज़रूर रहते हैं फॉर्म के, ताकि अगर आग लगना भी शुरू हो तो तुरंत वो बुझना स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके के क्या है, हज़ार्ड आइडेंटिफाई हम करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि उस जगह पे, उस वर्क प्लेस पे कितने हज़ार्ड हैं और हम कैसे उसके रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि रिस्क कंट्रोल का हम प्रोसीजर जब बनाएंगे तो ही हम रिस्क कंट्रोल कर पाएंगे ना। तो इसलिए ज़रूरी है जो भी हम काम कर रहे हैं पहले उसको चेक कर लेना कि किस तरीके से इस काम को हमें करना है, ठीक है। इस तरीके के हज़ार्ड जो हैं, जैसे कि केयरफुली स्टडी रिकॉर्डेड, आपको जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको अच्छे से चेक कर लेना, स्टेप ऑफ जॉब क्या क्या हैं आपकी उनको जान लेना, आइडेंटिफाई हज़ार्ड कर लेना, इंजरीज एक्सीडेंट पिछले कितने हुए हैं, किस कारण हुए हैं, नियर मिसेस कितनी हुई हैं, किस कारण हुई हैं, वर्क प्लेस पर इंस्पेक्शन और ऑडिट रिजल्ट बहुत ज़रूरी है कि इंस्पेक्शन आपने कब कब किया। इंस्पेक्शंस तो वैसे रेगुलरली होना ही है, और ऑडिट जो है वो क्या हुआ, उनके रिजल्ट क्या रहे, ये सारी चीज़ देख के भी आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पर आपको कितनी सेफ्टी की और ज़रूरत है, ठीक है। साथ ही ऐसी जगहों पर ऑयल रिफाइनरी है तो हो सकता है आपको हेल्थ इशू भी हो सकता है, इलनेस भी हो सकती है, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी है, हो सकता है किसी को उसे इनहेल करने से बीमारी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी है। तो फुल बॉडी प्रोटेक्शन आपने पहनना है, आपको मास्क लगाना है जिससे आप उसे इनहेल ना करें, ठीक है।
उसके बाद जब भी आप इंस्पेक्शन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी प्रिवेंशंस हमने रखे हैं उसके लिए कि कोई भी आग ना लगने पाए, तो हम उसे चेक करके देख सकते हैं कि जो भी हमने प्रिवेंशन लगाए हैं वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं। ठीक है, जो भी एक्सटिंग्यूशर लगे हैं वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, स्प्रिंकलर्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमें इंस्पेक्ट करनी होंगी ताकि जब हमारा ऑडिट हो तो हमारे रिजल्ट्स अच्छे रहें। ठीक है, साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, क्यों एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि जो भी लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको लैक ऑफ ट्रेनिंग रहता है, उनको ट्रेनिंग ठीक से नहीं दी जाती है, उन्हें पता ही नहीं होता है कि इस काम को इस तरीके से करेंगे तो ये हो सकता है। तो सबसे पहले लैक ऑफ ट्रेनिंग जैसा इशू नहीं होना चाहिए उस जगह पे। ठीक है, उनको इतने अच्छे से ट्रेंड किया जाए जो भी पर्सन वहाँ वर्क कर रहे हैं कि उन्हें पहले से ही पता चले कि अगर हम इस काम को करेंगे तो ये रिस्क हो सकता है। तो इसीलिए आप ट्रेनिंग बैचेस भी रखें, रेगुलर ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, मॉक ड्रिल्स कराएं, इस तरीके की चीज़ों से क्या है जो भी वहाँ का स्टाफ है वो भी जान जाएगा उन सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि ऑयल रिफाइनरी है, कोई एक बंदा उधर के एक्सीडेंट होने को नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो सभी लोग अगर ट्रेंड होंगे तो उनको पता होगा कि इस तरीके के एक्सीडेंट हो सकते हैं, या इस तरीके की चीज़ अगर हो रही है कोई नियर मिस हुआ, ठीक है, तो वो एकदम अलर्ट हो जाए कि इस तरीके का नियर मिस हुआ है तो हमें क्या करना है, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस तरीके का फ्यूम अगर निकला है, इस तरीके का स्पार्क जनरेट हुआ है, आग लग सकती है या लग गई है, तो हमें क्या करना है सबसे पहले। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग से आती हैं। क्या होता है ट्रेनिंग से, वो सारी चीज़ों से अवेयर होते हैं, जब तक अवेयरनेस नहीं होगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर हमें अवेयरनेस जिस चीज़ के बारे में हो जाएगी तो हम क्या जानना शुरू करते हैं, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे ना। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग जैसा इशू कभी नहीं होना चाहिए ऑयल रिफाइनरीज़ में, ऐसे ट्रेंड रखने चाहिए वो लोग जैसे कि कुछ भी होता है तो वो तुरंत एक स्टेप ले सकें। ठीक है, ऑयल रिफाइनरी होती है बहुत ही हजारडियस प्लेस है, तो इस तरीके से आप उधर के एक्सीडेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना तक होता है, प्रॉपर इंस्पेक्शन, ऑडिट जैसे मेंटेन करना, एसओपी के तरीके से वर्क करना, और जो भी प्रिवेंशंस लगी हुई हैं, जो भी हमने प्रिवेंशन ली है उन सब के बारे में सबको पता होना चाहिए कि ये चीज़ इस तरीके से काम करती है, तो आप अपने वर्क प्लेस पर सेफ्टी मेंटेन कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको बताया सेफ्टी इन ऑयल रिफाइनरीज़, सो थैंक यू।